मार्च का 25 तारीख, भला भूली कौन सकता है। ये वो वक्त था जिसने जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। ये साल कुछ ऐसा रहा जहां ना ठीक से होली का रंग रहा और ना दशहरे के रंग। रोजगार की मार में बेरोजगारी ने हर एक देशवासी को प्रवासी बना दिया। जिनके माथे पर पेट की बोझ उठाए उनके हर एक आंसू की अपनी अलग अलग कहानी है। कोरोना ने भले हमें अपने रोजगार से दूर कर दिया पर अपने परिवार से दूर नहीं कर सका। और भला दूर भी कैसे करें जिसके माई का हाथ हमारे सर पे हो। जब हम 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली से अकेले पैदल चले थे तो कुछ ज्यादा नहीं, बस ये एक उम्मीद जिंदा थी कि कोई बात नहीं, अगर नियति यही है तो हम भी यही हैं। और हम बिहारी हैं, यहाँ जान और स्वाभिमान दोनों साथ लेकर चलते हैं। और कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर 10x10 के कमरे में जिंदगी है तो दीवार के उस तरफ भी एक दुनिया होगी। और ये दुनिया पहले भी थी पर हम नहीं थे। वो दुनिया मेरी माँ थी जिसे वक्त की नज़ाकत ने मुझसे 200 किलोमीटर दूर कर दिया था माइग्रेशन में। तब हमें नहीं पता था कि इस साल हम छठ घाट जा पाएंगे या नहीं, आंगन में कोसी भर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जहाँ फेस्टिवल के माहौल से ज़्यादा प्रोटोकॉल की बात हो तो वहाँ सेलिब्रेशन की बात करनी ही बेमानी। पर जो भी हो, आते वक्त ये ज़रूर सोच रहे थे कि अब चाहे आंगन में एक ही कोसी क्यों ना भरना पड़े, पर अब अपना गंडक कोसी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और छठ पर्व हमारे लिए परंपरा ही नहीं, बिहारियों का इमोशन भी है, क्योंकि हमारी माई जब निर्जला व्रत भुगती है तो वो ये नहीं सोचती कि वो निर्बल हो जाएंगे, बल्कि वो ये सोचती है कि उनके साथ उनका बल खड़ा है जो उसे कभी निर्बल नहीं होने देगा। वो इस आशा से डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है कि कल फिर से सूरज का उदय होगा, जैसे दुख के सूर्यास्त के बाद सुख के सूरज का उदय होता है। जैसे चाय में मिठास है वैसे ही हम बिहारियों के लिए छठ है। कुछ चीज़ों के बिना जिंदगी फीकी सी लगती है और उन चीज़ों में सबसे पहले आता है छठ। अगर छठ नहीं तो हम बिहारी नहीं, क्योंकि एक बिहारी की जिंदगी का मतलब भी छठ होता है। एक शिकायत था कि घर में रहकर क्या होगा जब सब कुछ बाहर में। मैं बिहार में तो था लेकिन मेरा दिमाग दिल्ली की गलियों में गुम था। एक शिकायत थी कि पेट का क्या होगा जहां हर चीज़ का रेट जीवन से ज़्यादा है। एक ज़माना था जब हर माँ की शिकायत होती थी कि छठ आता है पर उनका बेटा नहीं आता, दुनिया आती है पर उनका लाल नहीं आता। आज जो भी हो पर कोरोना ने वो दूरी भी मिटा दी जो मजबूरी थी ना घर आने की। दिल्ली से कई जनों को छुड़वा दिया है पर ये भी है कि कोरोना ने कई घरों का दिल भी जोड़ दिया है। बेशक जानते हैं हम ना 4 साल से घर नहीं जा पा रहे थे, कभी छुट्टी नहीं मिलती तो कभी बॉस नहीं मिलते थे, पर इस बार दोनों मिले हैं। हम भी हैं, माँ भी हैं। और जब माँ का रूप साक्षात हो तो इससे बढ़िया फेस्टिवल और क्या ही हो सकता है। पिछले 8 महीने से हम घर पे हैं माँ के साथ, अपनी परंपरा के साथ। और भले ही इस साल के होली का रंग फीका सा रहा हो पर मेरी माँ की रंगत बरकरार रही। वक्त चाहे जैसा भी रहा हो पर इस क्वारंटीन ने एक माँ को अपने बेटे से बहुत करीब कर दिया है साहब। और माँ इस बार एक नहीं 2 कोसी भरेगी, एक हमारे लिए और एक हमारे बिहार के लिए, उस बिहार के लिए जिसकी मिट्टी ने उसके लाल को फिर से वापस मिलाया। माँ इस बार छठ भी होगा और परंपरा भी। अब तक हमने कोरोना देखा है और अब छठ भी देखेंगे। हम देखेंगे माँ को, उसकी ममता को, फल से सजे उस दौरे को और दौरे से सजे घाटों को जिस
उसे देखने के लिए कई सालों से हम घर नहीं आ पाए। सभी बिहार वासियों को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दूरी के साथ साथ छठ पूजा करें और स्वस्थ रहें, और माँ छठी मैया से ये आराधना करें कि बिहार के साथ साथ पूरा देश स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जय छठी।